गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम आपको हिंदी व्याकरण में पार्ट सिक्स वचन कराएंगे। वचन या एक या अनेक। वचन क्या होते हैं हम इसके बारे में पहले आपको समझाएंगे। वचन क्या होते हैं यानी एक जिनसे हमें, जिन वाक्यों से हमें वस्तु के एक होने या अनेक होने का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। वचन कहते हैं या एक या अनेक कहते हैं। जैसे मान लीजिए शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी, किसी वस्तु, किसी पदार्थ के संख्या में एक होने का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं, या अनेक होने का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम बातचीत करते हैं, आपस में बात करते हैं कि गीता क्या तुम मुझे बता सकती हो तुम्हारे पास क्या क्या वस्तुएं संख्या एक में और क्या एक से अधिक है। समझाया कि मतलब मैंने जैसे, या मैं आपसे पूछ रही हूँ राहुल तुम्हारे पास कौन सी वस्तुएं एक है और कौन सी वस्तुएं एक से अधिक है, तो तुम बोलो, तुमने कहा हाँ मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि मेरे पास कौन सी वस्तुएं एक रूप में और कौन सी अनेक रूप में। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक पेंसिल है, एक रबड़ है, एक शॉर्पनर है, लेकिन मेरे पास किताबें कई हैं, मेरे पास कटर भी है, कटर दो है। तो मतलब हम जब ऐसे बातचीत करते हैं और हम बताते हैं कि ये एक चीज है हमारे पास और ये ज्यादा चीजें, तो वो होते हैं वचन। यानी एक जिससे हमें किसी एक होने का, मतलब जैसे एक ये है क्या हमारी, और ये हो गई हमारी माली, ये हमारे पास एक बॉल है और ये अनेक बॉल है, यानी इससे एक वचन और बहुवचन का पता हमें चलता है कि यानी बॉल एक है और बहुत सारी बॉल है। तो समझ में आ गया बच्चों, जिस शब्द के जिस रूप से एक होने का या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक वस्तु के होने का पता चले उसे हम एक वचन कहते हैं, और शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी, वस्तु या पदार्थ के दो या दो से अधिक होने का पता चलता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं बहुत सारे, एक से ज्यादा हैं, तो वो बहुवचन हो गया। जैसे कि मेरे पास चार रोटियां हैं, तो एक से अधिक यानी चार बहुत सारी अनेक, तो वो हो गए बहुवचन। और किसी चीज का एक चौक है, एक बॉल है, एक ब्लैक बोर्ड है, एक गिलास है, कोई भी एक वस्तु का होने का ज्ञान होता है या बोध होता है वहां एक वचन होता है, और जहां एक से अधिक का पता चले वहां बहुवचन होता है। तो समझ में आ गया बच्चों, अब हम सबसे पहले वचन की परिभाषा आपको यहाँ राइट कराएंगे, जिसको आपको अपनी नोटबुक में परिभाषा के तौर पर लिखनी है। तो वचन की परिभाषा क्या है, परिभाषा शब्द के जिस रूप से वस्तु के एक या एक से अधिक अथवा अनेक
होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। जैसे लड़का किताब मेज, मतलब एक लड़का है, एक किताब है, एक मेज है और पांच दो लड़की, समझ गया कि मतलब जैसे एक लड़का किताब, एक मेज, एक तो ये हो गया एक वचन, और दो लड़की या पांच कोई वस्तु, पांच है छह है, तो जब हमें एक से अधिक होने का ज्ञान होता है तो वहां वचन होते हैं। यानी एक वचन किसे कहते हैं, जिस जिन शब्दों से हमें वस्तुओं के एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। आप वचन कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के भेद कितने होते हैं? वचन के दो भेद होते हैं, होते हैं। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। कितने होते हैं? एक वचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? एक वचन, एक वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से वस्तु, प्राणी या पदार्थ के एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। एक वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से वस्तु, प्राणी या पदार्थ के संख्या में एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। संख्या में एक, यानी जैसे लड़का लड़की पुस्तक घड़ी आदि, यानी लड़का एक लड़का, लड़की एक लड़की, पुस्तक एक पुस्तक, घड़ी एक घड़ी, ये हो गए हमारी मालूम पड़ी के जैसे एक ही चीज है, एक एक है, तो ये हो गए एक वचन। अब बहुवचन हम किस, बहुवचन क्या होते हैं? शब्द के जिस रूप से
किसी प्राणी, वस्तु या पदार्थ के संख्या में एक से अधिक या अनेक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे हम यह लिखेंगे लड़के, यानी ये लड़के हमने ऊपर लिखा एक वचन में लड़का यानी एक लड़का, और जब हमने लिखा कि लड़के तो इसका मतलब एक से अधिक लड़के हैं, कई लड़के हैं, इसलिए हम बोलेंगे लड़के। ऐसे ही लड़कियां यानी एक से ज्यादा हैं, इसलिए यह हो गया लड़कियां। पुस्तकें, एक पुस्तक होती है तो हम पुस्तक लिखते, और अगर एक से अधिक है तो पुस्तकें, जैसे एक कई सारी पुस्तकें हैं। एक घड़ी यानी दो घड़ियां, समझ में आ गया, दो घड़ियां यानी एक से अधिक। तो ये हो गया हमारे बहुवचन जिसमें हमें एक से अधिक वस्तुओं का बोध होता है। एक वचन में हमें किसी वस्तु के एक होने का, प्राणी के एक होने का बोध होता है, उसे हम एक वचन कहते हैं। तो बच्चों समझ में आ गया आपको एक वचन और बहुवचन और वचन हम किसे कहते हैं। तो आज की क्लास में आपके लिए इतना ही। आज का आपका होमवर्क है लर्न एंड राइट, लर्न एंड राइट क्लास वर्क इन नोटबुक। ये आपको नोटबुक में करना है, और इसकी परिभाषा, वचन की परिभाषा, एक वचन और बहुवचन के ये याद भी करने हैं। सी यू टुमारो, थैंक यू।